वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है संडे, आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि मुझे आज जो है संडे के दिन चार काम जो है वो करने पड़ते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ आपके लोग के साथ, आपको भी लेकर जाऊँगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं ये किस तरीके से करता हूँ। और जो है पहला काम तो मुझे जाना है एडनॉक, मुझे पेट्रोल भराना है। दूसरा काम है मुझे एटीएम भी जाना है, जी हाँ ये भी एक काम है क्योंकि पैसे निकालने हैं तो आगे जो मैं काम कर सकता हूँ। तीसरा वाला काम, वो तीसरा वाला काम ये है कि मुझे नाश्ता लेना है। और नाश्ता लेके हम लेने वाले इडली और डोसा, ठीक है। यहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, वहाँ भी हम जाएंगे। और वापसी में आते आते जो हमें जो है मटन भी लेकर आना है तो हम वहाँ भी जाएंगे। और आज ये चारों काम मैं आपके साथ करूँगा, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए। आज का संडे का अबू धाबी का स्पेशल व्लॉग खास आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं, पहले तो चेक करता हूँ, अगर पेट्रोल कम है तो वो भरा लेंगे पहले। देख रहे हैं कि मेरी कार कितनी गंदी हो गई है, देख रहे हैं यहाँ पर पीछे से भी देख रहे। बीच में बारिश आई थी तो मुझे अब क्लीन करना ज़रूरी है। चाबी भूल गया, आप देख रहे हैं कि ऑन ही नहीं होता है क्योंकि मैं चाबी भूल गया। ये है चाबी, अंदर से भी मुझे गाड़ी साफ कर ली है। चेक कर लें कि 163 माइलेज यानी कि 60 किलोमीटर और, क्योंकि 100 के बाद रिजर्व पे आ जाती है। एनीवेज भरा लेता हूँ मैं पेट्रोल, 8:51 बजे सुबह के, और एसी ऑन किया जाए। इसे फुल कर दें, बहुत गर्मी हो रही है। सेल्फ पहनना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको पता है कि 500 dirhams का फाइन है। जा रहे हैं एडनॉक की तरफ,
दोस्तों इस वक्त सुबह का जो टेम्परेचर है अबू धाबी का, मॉर्निंग का टेम्परेचर, ठीक है, अभी 9 भी नहीं बजे है, ठीक है। इसमें आपको अगर दिख रहा होगा सामने कि ये पता नहीं क्लियर दिख रहा नहीं आपको, लेकिन आउटसाइड टेम्परेचर जो दिखा रहा है इस वक्त तो 40 डिग्रीज है, ठीक है। अब तो यहाँ पर अबू धाबी में बहुत ही जो है गर्मी है, पसीना भी बहुत आता है, यहाँ की गर्मी चुभती बहुत है, इसलिए बाहर कोई आपको नज़र नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि पूरे सड़कें वीरान हैं और आपको ज़्यादा कोई नज़र नहीं आता है। शाम के टाइम अगर आपको जो है लोग दिख सकते हैं जॉगिंग करते हुए कभी, लेकिन ज़्यादातर सड़कें यहाँ पे जो है खामोश ही रहती है। सोचता हूँ कि ये जो है अभी तो फिलहाल हर जगह एसी आ गया है, गाड़ी में एसी, घर में एसी, सब जगह एसी है, ऑफिस में एसी, लेकिन जो है लोग जो है क्या बोलते हैं 50 साल पहले या 100 साल पहले ले लो या 50 साल भी पहले ले लो, तो यहाँ पर कहाँ था ये सब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर नहीं थी। आप देख रहे हैं कि दुबई जो अबू धाबी ये सब जो है बस कुछ 15-20 सालों में जो है ये हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। हम जा रहे हैं डॉक की तरफ, स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है 2-3 स्कूल्स हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर हर 2 राउंड अबाउट के बीच में, मतलब आपको यहाँ पर 2 या 3 स्पीड ब्रेकर्स हम्स जो है आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी बड़े हम्स है, आप देख सकते हैं। राउंड अबाउट पे कुछ काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। रुकना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पैसेंजर्स जो पेडेस्टेरियंस है उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। देखिए उनके पेडेस्टेरियंस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपको रुकना ही है। आप देख रहे हैं कि वो एडनॉक के करीब हम आ चुके हैं और ये दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं नॉच है, ये जो है ना इसको ओपन करना है, तो पीछे से वो पेट्रोल की जो है ना टैंक का ढक्कन खुल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना 3 टाइप के जो है पेट्रोल के टाइप्स आते हैं। पहला तो है सुपर, जो सबसे हाई है, ठीक है, और उसके बाद है स्पेशल, और उसके बाद है ई प्लस। ये 3 आपको यहाँ पे मिलेंगे, मतलब सबसे लोअर वाला ई प्लस है, उसके बाद स्पेशल, और उसके बाद सुपर।
तो मैं सुपर इसलिए भराता हूँ जो सबसे की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मुझे काफ़ी डिफरेंस जो है ना मैं मालूम पड़ता है कि जब मैं ये कराता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला कराता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, ई प्लस भराऊँ और उसके बाद मैं अगर स्पेशल भराऊँ तो फिर और उसके बाद सुपर बनाऊँ, तो मुझे तीनों में जो डिफरेंस मालूम होता है कि जो सुपर में इंजन की इतनी मुझे पावर मिलती है कि मैं थोड़ा सा भी रेस मारूँ तो मुझे उसका जो है ना पूरा उसकी गाड़ी उतनी स्पीड से भागती है और पिकअप फास्ट हो जाता है। और ई प्लस में भी होता है लेकिन उतना नहीं है, आपको लैग लैग मिलेगा, मतलब थोड़ा अगर मैं रेस करूँ तो कुछ मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद गाड़ी पिकअप होती है। तो ये डिफरेंस मुझे मिला है, आपको भी अगर डिफरेंस अगर सही है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, बस ये 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स है ना, हेड नो 24 आवर्स है। थैंक यू। ये है इसका फतूरा, फतूरा यहाँ पे बिल को फतूरा बोलते हैं। और मैं आपको डिटेल बता दूँ कि कितने का मैंने भराया और कितना पेट्रोल है घर जाने के बाद, है ना, आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी तो मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट है ना ये 2-3 महीने में काफ़ी इसके रेट्स बढ़ चुके हैं पेट्रोल के, इतने बढ़े कि आप मतलब 1 महीने में पेट्रोल इतना बढ़ गया कि जो पहले 1 साल में बढ़ता था, आप समझ रहे हो, पहले जो पेट्रोल 1 साल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता था, आजकल 1 महीने में 1 साल का जो है कॉस्ट बढ़ रही है। आप समझ सकते हो कि कितनी महंगाई यहाँ तेज़ी से बढ़ रही है। आपको मैं जो है एक पूरा वीडियो मैं इस पर बना सकता हूँ। जाहिर है अगर पेट्रोल का भाव अगर बढ़ रहा है तो बाकी सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, सब रेट्स पे फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे, चाहे वो ग्रोसरी का आइटम हो, आप मॉल में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, सब पे फ़र्क पड़ता है बॉस। और ये चल रहा है 3 महीने से ही, एक ऐसे आज का ये चौथा महीना है, इतनी तेज़ी से जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है आपको क्या बोलना। अब हम आ गए इधर नाश्ता लेने के लिए, तो मैं कार्ड एटीएम जाना भूल गया यार। ठीक है, क्या कहते हैं, 10 दे रहा हूँ, 15 दे रहा हूँ,
बस एक मसाला डोसा, दो सादा डोसा और एक प्लेट इडली। एक प्लेट इडली, हाँ बस कार्ड लेते हैं आप। ठीक है आप बनाओ, मैं ले जाता हूँ। बस यहाँ कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है तो मैं एटीएम जाना पड़ेगा मुझे, तो चलें ऑफिस वहीं जाएंगे, वहीं पर ही एटीएम नहीं, यहाँ पर भी एक एटीएम है, मैं उससे कहूँ यहाँ पैदल जा सकते हैं। इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक एटीएम है, मुझे पता है, मैं चेक करके आता हूँ। चाबी अंदर अगर रह जाती है ना तो गाड़ी लॉक नहीं होती है। ठीक है पैसे ले लो, अब लॉक होगी गाड़ी इस तरीके से, ये ढक्कन इसके कान बंद हो जाते हैं। तो सामने आपको दिख रही है नई मस्जिद बनी है, मतलब ये शायद इसको साल भर भी नहीं हुआ है, नई खुली है, काफ़ी अच्छी मस्जिद है। इसके ऊपर मीनार देख सकते हैं अगर आपको वीडियो में दिख रहा है। ये अबू धाबी का सुबह सुबह का वक्त है, बहुत गर्मी है दोस्तों, 40 डिग्री सुबह का टाइम। ये एटीएम आ गया, आपको इस तरीके से कार्ड डालना है, वो आपको पता ही है, यहाँ भी सेम सिस्टम है जैसा आपने हमारे वतन में। 500 ये आपको दिखा रहा है, आउट ऑफ आवर कैनस टू लीड इन यू पेपरलेस स्ट्रेटजी, वी आर डिलाइटेड टू सेंड यू एन SMS इंस्टेड ऑफ पेपर रिसिप्ट, काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर इन केस द SMS नॉट रिसीव, यू स्टिल कैन चेक योर ट्रांजेक्शन वाया आवर अदीब ऐप। यानी ये कह रहे हैं कि हम ये प्रिंट नहीं करेंगे, पेपर आपका जो आता है ना बैलेंस वगैरह वो नहीं करेंगे, एटीएम से प्रिंट आउट नहीं आएगा आपको SMS। अब ये कह रहा है कि यू कैन क्लिक ऑन द अथॉरिटी बिलो टू डोनेट जस्ट वंस 1 dirham टू हेल्प 1000 ऑफ पीपल्स। मतलब ये आप, ये तीन टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ज़कात फंड टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑफ अबू धाबी यूनिवर्सिटी, सेकेंड है मान, थर्ड है रेड क्रेसेंट। तो आप अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन या रेड क्रेसेंट को सेलेक्ट किया तो ये 1 dirham उन्हें चला जाएगा। मुझे मान, इन सब का मुझे पता नहीं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ रेड कैसे सुना हो, मान पता नहीं फुल फॉर्म क्या है। एनीवे आप चाहे येस करो या नो करो, उसके बाद पहले ATM कार्ड बाहर आएगा, नोट गिन रहे, यस कार्ड ले लो, नीचे से पैसा आएगा, यस yes. 200 दिन 400 दिन 500, थैंक यू। अच्छा ATM चालू था, लेट्स गो बैक। अब हम तीन या चार इडली आते हैं, अभी तक दुकानें खुले भी नहीं, आप देख सकते हैं ये एक मॉल है
और यहाँ पे कुछ अभी तक काफ़ी दुकानें बंद ही है। आप देख सकते हैं ये सब ज़्यादातर लेडीज़ के आइटम हैं, और आपको मिलेंगे परफ्यूम्स और ये मोबाइल के शॉप्स, ये तीन चीज़ बहुत चलते हैं यहाँ पर। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। से हो गया, वहाँ पहुँच गया रेस्टोरेंट। बस 14 दिरहम हुए, एक मसाला डोसा, एक सादा डोसा और एक सेट इडली। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है ऑफिस स्टार्ट। ऐसे यहाँ रखते हैं इसको, चेक कर लेते हैं। तीन आइटम है सही है। यहाँ पर सब मार्केट है पूरी, यहाँ पे आपको गोश्त की दुकान और ये सब मिल जाएंगे। अभी हम गोश्त की दुकान पे हैं, लेकिन हमें अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा है, देख कर आ जाते हम। ये यहाँ जब भी मैं आता हूँ यार, ये गाड़ी ऐसे ही कोई गाड़ी आ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है। बहुत सी गोश्त की दुकान है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बंद है। भैया अस्सलाम वालेकुम। बस कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, दुकान खुली है और सब खाली पड़ा है। आप देख रहे हैं सामने वो लटके हुए गोश्त के, शायद अभी आए नहीं होंगे। चलो ये क्या बात हो रही है, बोलो भाई। बस ये बकरे का गोश्त दे दो, एक डेढ़ किलो दो किलो तक। डेढ़ किलो दो किलो, बिरयानी के लिए अच्छा देना, छोटे छोटे पीस चलेगा। हाँ चलेगा, सीने का मजा कुछ और है, इसके साथ डालेगा। ठीक है ठीक है, अलहमदुल्ला बखैर। 105 का आ रहा है, चलेगा। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। Thank you.
पाए। गोश्त दोस्तों, गोश्त हो गया, नाश्ता हो गया, अब चलें वापस घर पे। दोस्तों हम ये गली गली से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सीधा जो है मेन रोड पकड़ के शॉर्टकट मार के सीधा घर जाएंगे। आगे एक नया सिग्नल बनाया है, मुझे वो आपको दिखाना है। पहले वो नहीं था सिग्नल, राउंड अबाउट्स थे, अब वो राउंड अबाउट्स को निकाल कर जो है ना सिग्नल बना रहे हैं काफ़ी जगह पे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन सा वो सिग्नल है। ये स्पीड ब्रेकर यार बहुत यहाँ पे मुझे तंग करते हैं यार ये गाड़ियों को। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, जो है ऐसे ही हम जो है आपको अच्छे अच्छे जो है अबू धाबी के सीन्स वगैरह दिखा दे रहेंगे। रुक जा भाई रुक जा, आगे देख रहे हैं आप कब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पर आ गए, जो मैं सिग्नल की बात कर रहा था, ये जो आने वाला अभी सिग्नल है, ये वाला सिग्नल जो है अभी बना है न्यू। पहले यहाँ पे राउंड अबाउट था और अब राउंड अबाउट को निकाल कर सिग्नल बना दिए हैं। आप देख सकते हैं आगे सिग्नल है, रेड सिग्नल है और हमें जो है रुकना पड़ेगा। या और ग्रीन हो गया, वाओ दोस्तों ये हो गया है ग्रीन और रोड क्लियर है, 80 की स्पीड है। एक बात जो है ना अबू धाबी की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो है रोड्स इतने फर्स्ट क्लास है कि आप गाड़ी जो एकदम मक्खन की तरह देखिए, आप सिर्फ 40, 60, 80 तक भी चला सकता हूँ, रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ मैं आराम से 80, 100 भी चला सकता हूँ। बस जो यहाँ पे थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर जो है ना इन्होंने इतने डाल के रखे हैं, अब देख सकते हो कि फिर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हमें तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। ये हम ये आ गया, हम काउंट करते जाइए ये इतने स्पीड ब्रेकर्स। ये और एक आ गया, ये मेरे ख्याल से इधर हर 500 मीटर या एक किलोमीटर में तो काफ़ी दो तीन आ जाते हैं, हर 500 मीटर में एक इन्होंने ये स्पीड ब्रेकर लगाया है। और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, इसको ओवरटेक कर लेता हूँ टैक्सी को, लेफ्ट में जाना है। फिर आ गया है जैसे मैंने बताया हमारा बम्पर, और ये स्पीड ब्रेकर से हम जा रहे हैं। यप ये और राउंड अबाउट आ गया इधर,
नज़दीक आ गए हैं। तो आज जो है हमने काफ़ी सारी जल्दी जल्दी से तीन काम निपटा दिए। पहले तो हम गए थे एडनॉक, वहाँ पर हमने पेट्रोल भरा, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ पर आए, हम आए नाश्ता लेने के लिए, ठीक है। साउथ इंडियन नाश्ता जो है इडली डोसा। और उसके बाद हम आए हैं एटीएम, ठीक है। एटीएम भी हुआ है, तीन काम हुए और चौथा भी हुआ है। चौथा काम ये था कि हमने गोश्त भी ले लिया, ठीक है। तो चार हो गए हमारे काम आज, फटाफट हमने निपटा दिए। और यहाँ पर हम पार्क करेंगे। ओके दोस्तों, व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मैं जा रहा हूं घर पे। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ ताकि आपको मैं अबू धाबी के और यूएई के काफ़ी सारे जो आपको जो है व्लॉग्स बनाकर दिखाऊंगा, चाहे वो शॉपिंग के हो कि मेरे डेली रूटीन के हो, या फिर जो है यहाँ के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, या कोई भी हो, आपको ज़रूर जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।